चाहे कोई कुछ कहे, सीएम पंक टॉप गाय है और इस लेवल का कि वो ट्रैवल चीफ स्टेटस का रोमन रेंस के बराबर है, वो एक सुपरस्टार है सबसे पहले और सबसे आगे। तो हे गाइस, वेलकम है आप लोगों का आज के इस वीडियो में। सीएम पंक वर्सेस रोमन रेंस ये ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुका है, मैच कब होने वाला है और भी बड़ी थिंग्स आज के वीडियो में आप लोगों को जानने को मिलेगा। तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। अभी जे उसो WWE के द बंप के शो पे आए थे और यहाँ जे उसो ने सीएम पंक वर्सेस रोमन रेंस के मैच की शुरुआत कर दी है। तो जे उसो बताते हुए कहते हैं कि मैं साइन सीएम पंक, व्हाई वुडंट वी साइन सीएम पंक, आई नो ही गॉट अ होल बंच ऑफ हेटर्स, इफ वी गोना बी ऑनेस्ट ही इज अ सुपरस्टार फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, पीपल टॉक अबाउट हिम, एनीथिंग टू डू विद रेसलिंग हिज नेम्स इन इट, ही लाइक ऑन सम ट्रैवल चीफ स्टेटस। WWE ने सीएम पंक को साइन किया, क्यों नहीं हम सीएम पंक को साइन करेंगे, मैं उसे जानता हूं, कई लोगों से उसे हेट मिला है, लेकिन मैं ऑनेस्टली कहूंगा कि वो एक सुपरस्टार है सबसे पहले और सबसे आगे। लोग उनके बारे में बात करें और क्यों नहीं करें, वो भी ट्रैवल चीफ स्टेटस के हैं, चाहे कोई कुछ भी कहे, ही इज टॉप गाय। सीएम पंक को ट्रैवल चीफ स्टेटस का कहा एंड ट्रैवल चीफ WWE के अंदर करेंटली एक ही है, रोमन रेंस। तो सेम कैलिबर पे कंपेयर करना काफी कुछ बताता है कि WWE क्या करना चाहते हैं। जे उसो ने जो कुछ भी कहा ये सारे वर्ड्स WWE के थे और उन्हें ऐसा ही कहने को कहा गया था। यानी इसका मतलब तो यही है कि WWE ने सीएम पंक वर्सेस रोमन रेंस के फ्यूड की शुरुआत कर दी है। और अब मैं आपको बता दूं, समर स्लैम 2024 वो जगह होने वाला है जहां द बेस्ट इन द वर्ल्ड और ट्रैवल चीफ का सामना होगा। रेसलमेनिया 40 में रोमन डिफेंड करेंगे अपने टाइटल को कोडी रोड्स के अगेंस्ट और वहां वे हारे या जीते ये बात की बात है। अगर रोमन रिटेन कर लेते हैं तब तो वो समर स्लैम में सीएम पंक के अगेंस्ट डिफेंड करेंगे अपने टाइटल को, पर अगर कोडी ने रोमन को हरा दिया तो रोमन रेंस का पॉसिबली बेबी फेस टर्न होगा एंड देन वो फेस करेंगे हील सीएम पंक को एट समर स्लैम। जिस तरह से ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंस के फ्यूड में पॉल हेमन ने रोमन रेंस को चुना, उसी तरह से रोमन रेंस और सीएम पंक के फ्यूड में पॉल रोमन को धोखा देकर सीएम पंक के साइड जाएंगे। ये गाइस इमोशनल कर देने वाली बातें थी जब जे उसो ने जिमी के बारे में कुछ ये कहा। मैं हमेशा जिमी के साथ रहता, हम साथ में ड्राइव करते, पर अब मुझे सारे काम अकेले करने पड़ते हैं, मुझे पता है कि वो भी हर्ट हो रहा है और मैं भी, लेकिन अब सब कुछ बदल गया है भाई, मैं बहुत जल्द आ रहा हूं तेरा पिछवाड़ा तोड़ने के लिए, ट्रस्ट मी। तो कल गाइस आप लोगों को स्मैकडाउन में सीएम पंक देखने को मिलेंगे और यहां इंटरेस्टिंग ये है कि ब्लड लाइन के बारे में बातें होगी, पॉल हेमन के साथ भी उनकी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, कुछ तो पक्का होगा जिससे आपको आइडिया लगेगा कि हाँ सीएम पंक भी चाहते हैं रोमन रेंस को एक रिंग में। द फिनोमिनल वन एजे स्टाइल्स का भी रिटर्न आप लोगों को देखने को मिल सकता है क्योंकि WWE ने उन्हें कल के लिए एडवर्टाइज किया हुआ है। और सबसे बड़ा मैच तो ये होगा जब जिमी और सोलो फेस करेंगे रैंडी ऑर्टन और एले नाइट को एक टैग टीम मैच में। गाइज आपको पता है ब्रॉन स्ट्रोमन इंडिया आए हुए हैं और इसलिए क्योंकि बहुत जल्द आप लोग अपने फेवरेट WWE सुपरस्टार के मर्ज लाइक टी शर्ट कलेक्शन बाय कर सकते हैं इंडिया में ही। तो गाइज आज के इस वीडियो कहीं पेंड करते हैं। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय एंड टेक केयर।